यूपी के चर्चित हाथरस कांड में गुरुवार को यानी कल अदालत का फैसला आया। 4 में से 3 आरोपी को बरी कर दिया गया है। एक आरोपी संदीप को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। संदीप को युवती की गैर इरादतन हत्या और SC ST एक्ट में सजा के साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इनमें से 40,000 रुपए पीड़िता के परिवार को दिए जाएंगे, लेकिन पीड़िता के परिवार वाले इस फैसले से संतुष्ट नहीं है और उनका कहना है कि तीनों आरोपियों को भी सजा मिलनी चाहिए और इसके लिए हम हाईकोर्ट भी जाएंगे। क्या था पूरा मामला, पहले ये जानते हैं। सितंबर 2020 में उत्तर प्रदेश के हाथरस के एक गांव में करीब 19 साल की दलित युवती अपनी मां के साथ घर से करीब आधा किलोमीटर दूर घास काटने गई थी। पीड़िता पक्ष के आरोप के मुताबिक वही गांव के ही 4 अभियुक्तों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां का आरोप है कि जब वो पीड़िता के पास पहुंची तो वह घायल थी और उसके कपड़े फटे हुए थे। बाद में पीड़िता की मां और बड़ा भाई तुरंत उसे बाइक से करीब 1.5 किलोमीटर दूर चंदपा थाने लेकर गए थे। यहां से उसे जिला अस्पताल ले जाया गया था और वहां से उसे अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था। लड़की के होश में आने के बाद अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में बयान दर्ज किया गया था, जिसके आधार पर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ था। अलीगढ़ से उसे 28 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया था, जहां अगले दिन उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने बिना परिवार को चेहरा दिखाए 30 सितंबर को रात के अंधेरे में ही लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया था, जिसे लेकर काफी हंगामा हुआ था। इस मामले में यूपी पुलिस पर तमाम तरह के सवाल खड़े हुए थे। आरोप था कि पुलिस ने परिवार को बिना बताए युवती का अंतिम संस्कार कर दिया था। इतना ही नहीं, यूपी पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दावा किया था कि पीड़िता के साथ गैंगरेप नहीं हुआ है। यूपी पुलिस के इस बयान के बाद कोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकार भी लगाई थी। हाथरस गैंगरेप हत्याकांड पर जमकर राजनीति हुई थी। कई दिनों तक यूपी पुलिस ने परिजनों को मीडिया या दूसरे विपक्षी पार्टी से नहीं मिलने दिया था। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी संदीप ठाकुर, लवकुश, राम और रवि को हत्या, रेप और SC ST एक्ट की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। जनता के दबाव की वजह से इस मामले की जांच CBI को सौंप दी गई थी। 29 दिसंबर 2020 को CBI ने इस मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ 2000 पन्नों की चार्जशीट फाइल बनाई थी। हाथरस कांड में कोर्ट में 2 साल से भी अधिक चली सुनवाई के दौरान कुल 68 तारीखों में से 35 लोगों की गवाही हुई। दोनों पक्षों से जुड़े लोगों ने कोर्ट में गवाही पेश की गई। घटना के बाद हाथरस पूरे देश में चर्चाओं में आ गया। SIT के बाद CBI ने इस प्रकरण की जाँच शुरू की थी। इस मामले में CBI 104 गवाहों को लेकर आई थी। अब अदालत ने इस मामले में मुख्य आरोपी संदीप को गैर इरादतन हत्या का दोषी माना है, लेकिन अदालत ने आरोपियों के ऊपर लगे गैंगरेप के चार्ज को हटा दिया है। हाथरस के जिला न्यायालय ने अपने फैसले में सभी आरोपियों द्वारा गैंगरेप किए जाने के आरोप को सही नहीं पाया है। पीड़िता के परिवार द्वारा FIR फाइल करने में देरी से लेकर फॉरेंसिक सैंपल में 11 दिन की देरी का कारण बताया गया है। हालांकि अदालत के फैसले के बाद लड़की के घर वाले संतुष्ट नहीं है। जो हमारे घर की बिटिया थी ना, अगर एक मौत हुई है तो उसके बदले में एक ही गुनहगार है, 4 उसके साथ में गुनाह नहीं कर सकते हैं। हमने खोया है तो एक को बस जेल में डाला, एक ही है गुनहगार। मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ कि इतने सब सारे शुरू से लेकर एंड तक योगी जी का इस पे हाथ है। सवाल यह है कि क्या हाईकोर्ट पीड़िता के घर वालों की बात सुनेगा? क्या तीनों आरोपियों को भी सजा मिलेगी?